सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उनदीम रोबिन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फॉरएवर टेक। और दोस्तों देखें जी, आज हमारे पास है जी एलजी वॉशिंग मशीन, जो कि इन्वर्टर है, डायरेक्ट ड्राइव और सिक्स मोशन वॉशिंग मशीन है। तो आज ये इसका पीसीबी जो है वो रिपेयरिंग के लिए हमारे पास आया है और आज हम इसको चेक करेंगे और आपको चेक करने का तरीका भी बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है आम पीसीबी से। जो एयर कंडीशन के पीसीबीज होते हैं वो चूँकि सादे होते हैं, और सादे इस तरह से कि देखें यहाँ पर इसके ऊपर सिलिकॉन जो है वो पेस्ट की गई होती है, ताकि यहाँ पे अगर पानी वगैरह गिर जाए तो ये शॉर्ट सर्किट ना हो सके। जबकि एयर कंडीशन के जो पीसीबीज होते हैं वो सिंपल होते हैं, वहाँ पे पानी का कोई ऐसा चांस नहीं होता है। तो आज हम आपको इसको खोलना भी सिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि इसमें जो मसला है वो भी हल करेंगे आपके सामने, और ये सारी जो डेमोंस्ट्रेशन है आपको देंगे। और अभी देखें, हमने ये स्क्रूज़ खोल लिए हैं, ये पांच स्क्रू हैं यहाँ पे लगे हुए, इनको खोल लें और इसको बाहर निकाल लेते हैं हम। अब यहाँ पे देखें, ये दो पीसीबी हैं, ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है। अब दोनों को हम अलग अलग कर देंगे। तो इसके लिए देखें, ये जो ये लॉक्स हैं इनको खोल लेंगे, थोड़ा सा प्रेस करें तो ये बाहर की तरफ आ जाता है। इसको खोल लिए, अलग कर लेंगे। तो देखें यहाँ पर इसका ये कनेक्टर है, इसको निकाल लेंगे, इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, और इसको निकाल लेंगे ताकि ये अलग हो जाए। देखें ये अलग हो गया जी। अब देखें जी, ये अलग है पीसीबी और अलग पीसीबी है। तो अब दोनों को चेक करेंगे और इसको, क्योंकि हमने इसको चेक कर लिया, इसको इलेक्ट्रिक दे रहे हैं तो ये चल नहीं रहा है। तो इसके लिए हमें जो ये साइड है इसकी, इसको हमें काटना होगा। काट के तो फिर हम इसके पार्ट्स को चेक करेंगे कि इसके नीचे से कि ये क्यों नहीं काम कर रहे हैं। अब इसकी जो रेक्टिफिकेशन साइड है, इस साइड को हम खोलेंगे। तो इसको खोलने के लिए देखें, इसका जो नीचे वाला ये कवर है इसको अलग कर देंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये जो ग्राइंडर मौजूद है, और देखें इसके अंदर कटर भी लगा हुआ है। तो अभी हम इसको काट लेंगे। और इस ग्राइंडर पे हमने वीडियो बनाई हुई है, इसकी जो क्वालिटीज़ हैं इसके बारे में हमने मुकम्मल तफसील से बताया हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लें। तो अभी हम इसे काट लेंगे। तो देखें, जब इसको काट किया तो बिल्कुल साइड से काटेंगे, ताकि किसी किस्म का किसी जोड़ को जो है वो डैमेज ना आए। अब देखें, हमने देखना है हमारा जो रेक्टिफिकेशन सिस्टम है वो पूरा इस यहाँ तक मौजूद है, बल्कि आगे भी चोपर वगैरह भी मौजूद है, लेकिन पहले हम यहाँ तक काट लेते हैं ताकि इस चीज़ को चेक कर लिया जाए। तो इसके लिए हम थोड़ा कम रखेंगे इसके, और काटते हुए पीसीबी का डैमेज नहीं होना चाहिए, थोड़ा ऊपर हाथ रखें। यहाँ पर देखें, हमारे पास स्क्रैपर्स मौजूद हैं, तो पतले स्क्रैपर्स डाल के इसके अंदर, तो इसको हम उठा लेंगे। देखें बिल्कुल ये काम एहतियात से करना है आपने, ताकि नीचे जो पीसीबी है या उसके पार्ट्स हैं वो डैमेज होने ना पाएँ। तो इसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ कर लें, जैसे आप कर सकते हैं, जैसे अवेलेबिलिटी हो आपके पास। तो हमारे पास इस वक्त जिस तरह की अवेलेबिलिटी है हम उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। आप थोड़ी हार्ड चीज़ ले लेंगे, और हार्ड चीज़ से जो भी फिर आराम से उठ जाएगा। तो देखें, पहले थोड़ी सी सॉफ्ट चीज़, फिर आहिस्ता आहिस्ता हार्ड चीज़। तो देखें, अभी इसके साथ मैंने किया तो ये आराम से ऊपर आ गया जी, देखें निकल गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये जो पीसीबी है वो विजुअल हो गया है। अब हम चेक कर सकते हैं कि इसको क्या मसला हुआ है। अब यहाँ पर जी, इसको हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कि इसमें मसला क्या एक्चुअल आ रहा है, तो ताकि आपको, अगर आपके साथ ऐसा मसला है तो आप इसको आसानी से ठीक कर सकें। तो देखें, जब हमने ये देखें सारा कुछ इंस्टॉल कर दिया है, तो इसके बाद आप देखेंगे कि ये ऑन, ये लाइट जो है वो थोड़ी सी डिम सी ऑन होती है, लेकिन सिस्टम पूरा काम नहीं करता है, तो डिस्प्ले भी नहीं आता है। तो देखें, मैं इसमें इलेक्ट्रिक दे रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे ये लाइट जो है इसकी जो है वो, देखें ये इसकी लाइट जो है यहाँ पे ये जल रही है, ये इस वक्त काम कर रही है, लेकिन ये जो देखें इसके अलावा स्विचिंग जो रिले है वो भी
देखें मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ, थोड़ा माइक ले जाता हूँ नज़दीक में। तो देखें ये बार बार टक टक की आवाज़ कर रही है। जी तो आपने सुना होगा, तो ये ऑन और ऑफ, ऑन और ऑफ हो रहा है। तो अब हम इसको खोल लेते हैं मुकम्मल, और क्योंकि हमें जो है इसका मुकम्मल खोलना पड़ेगा यहाँ तक, क्योंकि आईपीएम को भी टेस्ट करना होगा और इसके अलावा बाकी पार्ट्स को भी टेस्ट करना होगा कि इसमें आगे क्या मसला चल रहा है। तो अब जो है हम देखें, हमने हाफ इसको खोला था, हमने यहाँ पे टेस्ट किया है, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। अब इसको मुकम्मल यहाँ तक हम खोल लेंगे और फिर इसके बाद इसको जो है ना वो टेस्ट करेंगे। अब देखें जी, हमने इसके बैक साइड को काफ़ी ज़्यादा काट दिया है और इसका जो कवर था वो निकाल दिया है। अब इसका जो आईपीएम है, इसकी हीट सिंक को निकालेंगे और इसको विजुअली जो है वो इंस्पेक्ट करेंगे, इसके अलावा इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो इसके लिए देखें यहाँ पे स्क्रूज़ लगे हुए हैं जो कि हीट सिंक को टाइट किया गया है, तो इनको हम हटा देंगे और इसके बाद इसको फिर टेस्टिंग करेंगे। ये हमने हीट सिंक जो है उसको निकाल दिया है। तो नीचे से देखें आईपीएम जो है इसका वो हमें दिख रहा है और विजुअली भी ये बिल्कुल ठीक है और इसको मैंने टेस्ट किया है तो वो भी ठीक है। लेकिन चलें मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं ताकि आपको आसानी हो जाए इसको टेस्ट करने में, अगर आपके साथ ऐसा कोई मसला है। तो देखें यहाँ पर ये जो आईपीएम है, वैसे तो आईपीएम को जो नॉर्मली हमने टेस्ट करने के लिए वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है तो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि वो ज़रा इसे है तो वही तरीक़ेकार, लेकिन जो है वो इसकी पोजीशन थोड़ी डिफरेंट है। तो ये जो इसके 1, 2, 3 ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं और ये जो इसके साथ ये पहली पिन है ये पॉजिटिव पॉइंट है और ये यू, वी और डब्ल्यू है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसीजर है, तो आप इस तरह से इसको टेस्ट कर सकते हैं इसके मुताबिक। अब यहाँ पे जी जो ये प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह से है कि ये टिक टिक कर रही है, तो दो किस्म की, तीन किस्म के पार्ट्स यहाँ पे ख़राब हो सकते हैं। तो देखें मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जो पार्ट्स हैं वो हम चेक कर लेंगे। तो इनमें देखें, एक तो इसका जो फीडबैक है वो करेक्ट नहीं जा रहा है, तो फीडबैक का जो देखें ये पे ऑप्टोकुपलर है यहाँ पे लगा हुआ है। इसके अलावा जो इसका चोपर है वो ज़्यादा तौर पे ख़ुद ख़राब हो सकता है। इसके अलावा जो और चीज़ ख़राब हो सकती है वो है जी स्विचिंग आईसी। तो बाकी कंपोनेंट को भी हम टेस्ट कर लेंगे, लेकिन मेन बड़े कंपोनेंट जो ख़राब हो सकते हैं वो ये हैं। अब यहाँ पर देखें जी, अगर हम ऑप्टोकुपलर को चेक करें तो इसके दोनों पॉइंट्स पे हम चेक कर लेंगे, क्योंकि फीडबैक अगर प्रॉब्लम होगा तो ये मसला कर सकता है, क्योंकि कभी ऑन कभी ऑफ होगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें मीटर हमें कुछ रीडिंग शो कर रहा है, यहाँ पे सिफर नहीं आना चाहिए, तो 0.95। और पोलैरिटी चेंज कर लें मीटर की जो प्रोब्स हैं उनकी, तो देखते हैं इन पर क्या आता है, और अगर सिलिकॉन हटा सकते हैं तो हटा लें, क्योंकि मैं तो ऐसे ही करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ एक पार्ट ख़राब है, बाकी चीज़ें जो हैं वो ठीक हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है इस तरफ से जी। अभी जो है दूसरी साइड से कर लेंगे, तो दूसरी साइड से देखें, जब हम इसमें लगाएंगे तो दूसरी साइड से देखें जी, अब इसकी पोलैरिटी चेंज कर लेंगे। तो पोलैरिटी चेंज करने से देखते हैं क्या होता है, तो इसको सिफर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है जी। जी ये 5.9 ठीक है, कुछ वोल्ट दिखा रहा है वो, क्योंकि सर्किट के अंदर मौजूद होते हुए कुछ ना कुछ वोल्टेजेस बार दफ़ा आ जाते हैं। अब जो चोपर है विजुअली अगर मैंने देखा है तो बिल्कुल सही है, इसको माइक्रोस्कोपिक भी देखा है तो ये बिल्कुल फ्रेश फ्रेश लग रहा है, इसमें ऐसा कोई मुझे कोई ऐसा इशू नज़र नहीं आया है। अब जो है जो लास्ट ऑप्शन है वो है जी इसका स्विचिंग आईसी। अब जी हमने देखें ये कैपेसिटर को भी चेंज कर दिया है और आईसी भी चेंज कर दिया है, तो इसके बाद हम इसको चेक कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पे मैंने काफ़ी काम कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ और इसके बाद इसका हल भी आपको बताते हैं कि इसमें और क्या मसला है, क्योंकि जब मैंने इसको किया है चेंज तो ये बिल्कुल जी सेम प्रॉब्लम दे रहा है। तो मैं अभी इसको दोबारा इलेक्ट्रिक वगैरह दे देता हूँ, देखें जल्दी जल्दी कर देते हैं, साथ में आपसे बात भी कर लेते हैं। और ये देखें ये चेक हो गया, ये देखें इसका फिल्टरिंग सिस्टम, और ये मैं अभी इसको लगा दूंगा और आपको दिखाता हूँ कि ये अभी भी सेम ही प्रॉब्लम कर रहा है। देखें तो देखें अगर अभी भी ये सेम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि आईसी वगैरह बिल्कुल सही थे लेकिन मैंने
चांस के लिए किया था कि उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। क्योंकि देखें, जब इसको मैंने निकाल दिया है तो अब ये बंद हो जाए थोड़ा सा, तो मैं अभी यहीं पे आपको इसी पोजीशन में मैंने इसको खोल के देख लिया हुआ है जी, ठीक है। लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए कि ऐसा भी हो सकता है, चांस ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसे चांस के लिए क्या करना होगा, ये भी देखें। मैंने ये पीसीबी खोला और इसको जब मैंने खोला तो यहाँ पर भी एक मसला आया हुआ है और वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अभी कैमरा बिल्कुल बंद नहीं करूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा इसमें। तो देखें, यहाँ पर जब इसको निकाल लिया तो ये देखें, मैंने इसको खोल लिया था यहाँ से। इसके बाद खोलने के बाद यहाँ पे आप गौर से अगर देखा जाए तो, क्योंकि मैंने इसको जब देख रहा था तो मुझे यहाँ से पोजीशन इसकी गड़बड़ लग रही थी, तो देखें यहाँ पे रस्टी हुआ हुआ है, कुछ पानी आया हुआ है, उसकी वजह से ये यहाँ पे ख़राब हुआ हुआ है। इसके अलावा जब मैंने इंस्पेक्शन की विजुअल तो यहाँ पर भी कुछ कुछ प्रॉब्लम मुझे नज़र आई, इन तार्स पर भी कुछ कुछ मुझे रस्टी चीज़ें नज़र आईं, तो ये एक प्रॉब्लम थी। तो मैंने इसके लिए फिर मैंने क्या किया कि मैंने इसको इसमें से निकाल लिया। अब जब मैंने इसमें से निकाला तो देखें, मैंने ये इसको साफ़ कर चुका हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। तो देखें, जब मैंने ये जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको देखा, देखें ये सारा, तो ये भी सेम इसी तरह से रस्टी हुआ हुआ था, और रस्टी होने की वजह से यहाँ पर देखें ये विजुअली जो है वो आपको पता चल रहा है कि ये देखें, ये पूरा मैंने अभी इसको क्लीन किया है स्पिरिट के साथ। तो देखें, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये पॉइंट देखें, ये वाला पॉइंट यहाँ से डिस्कनेक्ट है, ये देखें ये पॉइंट यहाँ से टोटली डिस्कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सर्फ वगैरह गिरा है, तो उसकी वजह से ये पोजीशन जो है यहाँ पे ये कमज़ोर हो गई है, और ये जो उसके अंदर जो प्रिंट्स हैं वो खाए गए हैं, और ये मसला यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अभी तक मैंने इसको दोबारा टांका नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था कि आपको मैं दिखा दूँ, उसके बाद मैं इसको टांका करके और चेक करूँ कि ये अभी ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलें, मैं अभी इसको ठीक करता हूँ इस प्रिंट्स को, और उसके बाद चेक करते हैं कि ये क्या मसला है। और अभी दोस्तों मैंने इसको रिपेयर कर लिया है, और ये देखें इनके प्रिंट्स को मैंने ठीक कर दिया है, तो देख सकते हैं आप, तो प्रिंट्स बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, और इस वक्त मैंने बाकी जो जगह थी वो भी साफ़ कर दी है। तो अब हम इसको कर देते हैं इंस्टॉल, और इसको करके तो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये देखें, ये भी ठीक हो चुका है और बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, और इसने अपनी पोजीशन बिल्कुल सही कर ली है। तो अभी देखें, अभी मैं इलेक्ट्रिक दे दूँगा, तो देखें ये इसकी स्विचिंग ख़त्म हो चुकी है, वो बार बार जो टक टक हो रही थी उसने स्विच कर लिया है। अब हम इसका जो है ऑन बटन को प्रेस कर देंगे, तो देखें ये इसकी लाइट्स वो कर लें, और यहाँ पे हमें एरर आना शुरू हो गया है। एरर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल नहीं हैं, तो इस वजह से ये अपना एरर शो कर रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी।